तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C। इसमें आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। ये आपका क्लास 10 का है, यहाँ हम लोग अलग मेथड से पढ़ेंगे। क्लास 9 में जब हम लोग डेसिमल फॉर्म को फाइल करते थे तो वहाँ कुछ और मेथड था, यहाँ कुछ सब कोर्ट मेथड्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, हम लोग पहले जो थे था टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में आ रहा है आंसर या नहीं, इसके लिए हम लोग डिवाइड मेथड का यूज करते थे। बट यहाँ कुछ रूल्स में आप लोगों को बदलाव होगा जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा जो उसका टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है रिप्रेजेंटेशन। तो दो तीन पॉइंट्स को आप लोग माइंड में रखना है। हम लोगों को अगर 2×5 के फॉर्म में 2×m या m, ये m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर इस तरह का कंडीशन है तो वो डेसिमल फॉर्म उसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या 2×5 के रूप में है, सपोज कीजिए 2×5 या 2×3 या 2×कुछ भी, या फिर यहीं पर एग्जाम्पल है 2×5n×5n। तो 2 कुछ भी पावर हो सकता है, 3, 2, 1 या नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार का फॉर्म अगर आता है या इस प्रकार से, तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है आपका टर्मिनेटिंग होगा। एक और है, या 5 कुछ भी पावर, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो, 5×3 आ जाए या 4 आ जाए या 5×11 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के लिए तीनों कंडीशन को आपको देखना है। अगर डिनोमिनेटर वाला पोजीशन जो है आपका इस प्रकार के फॉर्म में हो या इस प्रकार का फॉर्म, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आपको दिखे आपको तुरंत लिख देना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो आपको लिख देना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ठीक है, तो इसको आप लोग ऑनली ऑन माइंड में रखें। इसके अलावा और किसी भी प्रकार से, जैसे सपोज कीजिए 2×5 के रूप में आ गया, 5 में आ गया, 3 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या 2×5 के रूप में है, 5 के अलावा अदर कोई भी डिजिट आ जाता है तो वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखना है, जो इस प्रकार के फॉर्म में आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावे किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन अगर डिनोमिनेटर में देखने को मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2×3 और 5×2। अभी जस्ट मैंने बताया 2×5 के रूप में और 5×2 के रूप में आए, तो फर्स्ट कंडीशन में बताया था ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये लिख दिए, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है बल्कि यहाँ देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको शो करना टर्मिनेटिंग है या नहीं, अगर है तो एक्सप्रेस कीजिए डेसिमल फॉर्म, इसको आप डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। ये हमने बदला दिया, ये टर्मिनेटिंग है, अब इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये 2×3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 2×3 और 5×2 है, तो इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे दोनों के पावर को, दोनों के एक्सपोनेंट को हम लोग इक्विवेलेंट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा यहाँ देखिए 2×3 है और 5×2 है, अगर हम 5×3 कर देते हैं, 1×5 इसमें ऐड किए हैं, 1×5 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स्ट्रा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3×5 = 15, 1 + 5 = 10 और 1 = 11। और यहाँ आपका दोनों कॉमन है तो 2×3 पे होल पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। 1/5 ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि 5×10 = 3 और आप लोग जानते हैं 10³ लिखना काफ़ी ईजी है, 1000 हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल फॉर्म में क्या करेंगे, 1, 2, 3 राइट साइड से काउंट करेंगे, 3 0 है तो इधर से लेफ्ट साइड से 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये आपका इजी वे में विदाउट डिवाइड किए हुए, पहले आप लोग डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करते थे फिर जाके डेसिमल फाइंड करते थे और फिर पता चलता था आपको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से आप इजी वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर लिए हैं, आगे इसी में अब इसमें देखिए इसका फॉर्म आपको पहले से किया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे डिनोमिनेटर टर्म आपका कुछ ऐसा होगा जिसको क्या आपको फैक्टराइज करना होगा, उसका फैक्टर निकालना होगा। तो इस प्रकार के कंडीशन में जब आपका
रहता है जिसको आप फिर इसका ले लीजिए तो ये हो गया आपका। तो कुछ इस प्रकार से हो गया 125 का 5 × 5 × 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, तो 5 में 3 पावर। डिनोमिनेटर देखिए आपको मैंने थर्ड कंडीशन में बताया था, अगर स्पेशली 5 पर भी कोई ना कोई एक्सपोनेंट अगर हो तो वो भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो फिर इसको हम लोग इजी वे में क्या करेंगे, तो यहाँ 5 पर क्यू है ऑलरेडी, तो हमको क्या लेना है, 2 पे क्यू, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने से आपका ऊपर में हो जाता है 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 5 × 2 और इसका होल क्यूब, इसको क्या करेंगे 10 का क्यूब, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसको 192 या 1000 और 1 2 3 3 बार डेसिमल देना है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आप लोग को एच डब्ल्यू के लिए दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम पढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, विदाउट एक्चुअल डिविजन सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। आपको इसमें बताना है 2 नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से हैं, कौन सा है। तो जरा ये देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको कंडीशन 1 नंबर में ही बतला दिया था, अगर 2 पे कुछ पावर के रूप में आ जाता है या 5 पर कुछ पावर आता है या स्पेशली 2 पर रहता है या 5 पर रहता है, ये 3 कंडीशन मैंने बतलाया था। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आया है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। देखिए 3 × इस टाइप के कोई कंडीशन मैंने आप लोगों को नहीं बतलाया, इसलिए ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस प्रकार से आपको बतला देना, फिर इसको सॉल्व भी कर लेना, बहुत ही इजी वे में आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी और भी क्वेश्चंस था, उसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। आइए हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस की ओर। यहां है एक्सप्रेस ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.18 पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको 2.4 पे लेते हैं। 2 क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करके आपको बतलाते हैं, फिर आगे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं है, इसका मैं 2 प्रोसेस बतलाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस प्रोसेस से आप उसको सॉल्व कर सकते। पहले इजी वाला प्रोसेस आप लोगों को बतला दूँ। 8 पे रैंकिंग है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। फ्रैक्शन आप जानते हैं बाय होना चाहिए डिनोमिनेटर नोमिनेटर, इस टाइप के नंबर का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग करते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ आपका 0.8 पर रैंकिंग है तो 0.8 लिख देंगे। 1 डिजिट पर रैंकिंग लगा हुआ है जस्ट डिसिमल के राइट साइड, तो सिंगल 9 दे देंगे और ये आपका डिसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका 8/9। ये काफ़ी इजी फॉर्म है लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ कि ये रूल आपका काम नहीं करेगा, तो वैसे रूल्स के लिए इसको आप दूसरे रूल से हम लोग बनाते हैं। आइए तो पहले क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया जो कि कुछ क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग आप इजी वे में तुरंत सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक अब जो मैं रूल आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट उस रूल से ऑल ओवर इंडिया का कोई भी क्वेश्चंस है आप सॉल्व कर पाएंगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन के थ्रू। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मी एक्स इक्वल टू 0.8 पे लिख दी, तो दैट मीन्स रैंकिंग का मीनिंग क्या है, ये 8 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन इसको 1 कर लेंगे और सेकेंड में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो इधर हो गया आपका 10x और इधर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 8, इस तरह से आएगा। अब फिर हम लोग कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसके बाद जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं, ठीक
यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखना है आपको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन है, यहाँ आपको इक्वेशन वन में है टेन एक्स माइनस वन और यहाँ आपका है ये डाटा है माइनस जीरो पॉइंट, तो यहाँ टेन माइनस एक्स हो गया आपका नाइन एक्स और यहाँ एट, यहाँ देखिए डिसिमल के राइट साइड एट रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इधर भी एट रिपीटेड हो रहा है, जितना भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो गया एक्स इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में है नाइन एक्स क्या है कोई भी सिंबल नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है इधर जाएगा टू डिवाइड, आपको याद रखना है प्लस करेगा तो इक्वल के राइट साइड जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, तो ये आपका एट बाई नाइन, देखिए इस प्रोसेस से भी आया था, इस प्रोसेस से भी आया था, लेकिन आप लोगों को इसी प्रोसेस से बनाना है इस चैप्टर में, और भी क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जब जो प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं इसको फिर से सॉल्व करूँगा। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हुआ 1C, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1D का।